हेलो एसडी फैमिली, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू योर चैनल एसडी निशा शर्मा। सो इन टुडेज वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ दो ऐसे जूस जो इस लॉकडाउन में आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, जिसमें से पहला जूस है गाजर का जूस और दूसरा है संतरे का जूस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दो जूसेस हैं वो स्पेशली मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनको फेस करने में मेरे इन दोनों जूसों ने बहुत बड़ी हेल्प करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी एचडी फैमिली को भी इन जूसेस के बारे में बता दूं, जिसमें से पहला जूस है गाजर का जूस। दोस्तों मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूँ कि मेरी जो आई हैं वो अदर पीपल यानी कि अदर ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। मैं अगर कोई बहुत डार्क लाइनर या बहुत ज़्यादा मस्कारा भी लगा लेती हूँ तो मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है एंड नेक्स्ट डे उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाती है। तो फैमिली मैं ये आपको बता दूँ कि जो गाजर होता है उसमें फाइबर होता है, विटामिन ए होता है, कैरोटीन होता है और सबसे बड़ी बात ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल स्किन नहीं है तो आप इसको यूज़ करा करो। दूसरी बात, अगर आपके हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है या फिर आपके नाखून टूटते हैं, क्योंकि मेरे नाखून बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा वीक होते हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। एंड इसी के साथ साथ फैमिली मैं ये भी बता दूं कि मेरा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो ख़राब रहता है, तो जो ये कैरेट का जूस है दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आपको ये जूस बहुत ट्राई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको ये देगा। सो फैमिली, ये जो गाजर का जूस है उसको आप सलाद में भी ले सकते हैं अगर आपको जूस पसंद नहीं है, या फिर आप इसका अचार डाल के भी खा सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप इसका जूस ही बना के पिए, ये आपकी मर्जी है कि आप इसका जूस खट्टा बनाना चाहते हैं थोड़ा लेमन डाल के, या फिर थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाल के इसे मीठा बनाना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि आपको वाइट शुगर का यूज़ नहीं करना है क्योंकि उसके थोड़े से आपको हार्मफुल इफ़ेक्ट देख सकते हैं। ये आपकी एक हेल्दी ड्रिंक है या फिर आप बोल दो पावर ड्रिंक है, तो आप इसमें वाइट शुगर को इग्नोर करना। वैसे मैं इसमें शुगर प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे इसका स्वाद थोड़ा नमकीन और खट्टा ही पसंद है। सो फैमिली, अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं झट से कैसे गाजर का जो जूस है वो अपने घर पे ही सिर्फ दो तीन इंग्रेडिएंट से बना लेती हूँ। फैमिली यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए गाजर लिए हैं एंड जैसा कि आपको पता है गर्मी आ रही है तो गाजर आपको इतने सॉफ्ट नहीं मिल पाएंगे। एंड मैंने यहाँ पे लिया है पुदीने और धनिए की थोड़ी सी पीसी हुई चटनी एंड इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पपाया टेस्ट अच्छा होने के लिए एंड इसमें थोड़ा सा नमक। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में एक जार में डाल लिया है एंड देन उसके बाद जब मैं इसको पीसूंगी तो इसका कुछ पेस्ट बन जाएगा एंड इसे मुझे छन्नी से छान लेना है ताकि जो मोटा बैटर है वो अलग हो जाए और जो लिक्विड कंसिस्टेंसी है यानी कि पूरा लिक्विड फॉर्म है गाजर का जो जूस है वो पूरा अलग हो जाए। सो इट्स दिस इज़ वेरी इजी एंड इट्स माई कैरेट जूस, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं मॉर्निंग पावर जूस बोल सकते हो या पावर ड्रिंक बोल सकते हो, जो भी आप इसका नाम रखना चाहते हो। फ्रेंड्स मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप यूज़ करके देखो। अगर आपको लगता है कि आपको फिज़िकल वीकनेस है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो। देन इसके बाद अगर दूसरे जूस की बात करूँ जो मैं झट से बना लेती हूँ, जो है ऑरेंज जूस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ तुलसी के पत्ते क्योंकि तुलसी भी एंटीऑक्सीडेंट होती है एंड ज़ीरा पाउडर। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा इसे मीठा बनाने के लिए। एंड जब मैंने इन सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाला देन उसके बाद मैं इसमें डाल लूँगी हनी। हनी हमारी पूरी होल बॉडी को
क्लीन करने का, आप कर लो एक वैक्यूम क्लीनर की तरह, ये हमारी पूरी बॉडी में वर्क करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हनी यूज़ करा है, वाइट शुगर आपको यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद इस पेस्ट को यानी कि इस बैटर को आपको एक लिक्विड कंसिस्टेंसी में चेंज कर लेना है। देन उसके बाद आपको छन्नी से इसे छान लेना है। देन ये मेरी हो गई सेकेंड ड्रिंक, जो मैं वीक में 3 से 4 टाइम पीती ही पीती हूँ। लेकिन जो कैरेट का जूस है वो मैं रेगुलर बेस में रेगुलर पीती हूँ। बट जो ऑरेंज जूस में जो विटामिन सी होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड ये जो विटामिन्स होते हैं वो हमारे हीमोग्लोबिन की जितनी भी आप समझ लो कमी होती है उसको पूरा करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करते हैं। एंड सेकंड थिंग, मैं आपको ये रीज़न देना चाहती हूँ कि मैंने ये जो संतरे का जूस था वो क्यों पीना स्टार्ट किया। फैमिली में आपको बता दूँ, 1 साल पहले से मुझे क्या होता था, हर 6 महीने में टाइफाइड हो जाता था, आज से 1 साल पहले तक। लेकिन अब मैंने इस पे कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ये जो संतरे का जूस है वो हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करता है, यानी कि जो उसकी वीकनेस या आप कह लो कमी होती है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बिल्ड होती है और हम किसी भी डिसीज़ से आसानी से लड़ सकते हैं। देन आपको मैं एक यहाँ पर इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट बताना चाहती हूँ कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको संतरे का जूस अवॉइड करना चाहिए। एंड एक चीज़ और, अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर ज़रूर लें। दोस्तों, जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तभी आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, वैसा ही मेरी लाइफ में भी हुआ था। आज से 1 साल पहले तक मैं कोई भी पावर ड्रिंक या फिर जूस नहीं लेती थी, बट ये लास्ट 1 ईयर से मैंने अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस किए हैं और ये सारे चेंजेस मैंने आयुर्वेद से सीखे हैं, पढ़े हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड लव यू।